हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है राप्ती गंगा एक्सप्रेस के बारे में, जो कि गोरखपुर जंक्शन से देहरादून के बीच में चलती है। अगर आपने कभी इस ट्रेन में सफर किया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है राप्ती गंगा एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के देहरादून के बीच में चलती है। हफ्ते में 2 दिन चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 15505। 16 घंटे 40 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं। 814 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है लगभग 50 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है। ये जो ट्रेन है राप्ती गंगा एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से हर बुधवार और शुक्रवार को ये चलती है। और इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं। इसमें सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात की जाए तो मैं जो अभी आपको राप्ती गंगा एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो गोरखपुर जंक्शन से देहरादून तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाके जरूर चेक कर लें। राप्ती गंगा एक्सप्रेस का गोरखपुर से देहरादून का जो सेकेंड एसी का जो किराया वो है 1600 रुपये, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, GST चार्ज शामिल होता है। इसमें कोई सुपरफास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाता क्योंकि ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। थर्ड एसी का जो किराया वो है 1110 रुपये, इसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, GST चार्ज शामिल होता है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं, जिसका किराया जो है 405 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल एंड रिजर्व डिब्बे भी हैं, जिसका किराया जो है लगभग 220 रुपये के करीब है। ये किराया आप किसी भी रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट पर जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं राप्ती गंगा एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन हैं। राप्ती गंगा एक्सप्रेस जो है इस ट्रेन का नंबर है 15005 और ये जो ट्रेन है गोरखपुर जंक्शन से हर बुधवार और शुक्रवार को रात को 9:15 पर रवाना होती है गोरखपुर जंक्शन से 1 नंबर प्लेटफॉर्म से, और उसके तकरीबन 16 स्टेशन है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने दूसरे स्टेशन खलीलाबाद में पहुंचती है रात के 9:55 पे और 9:57 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। बस्ती स्टेशन में ट्रेन जो है रात के 2:26 पे पहुंचती है और 2:29 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मनकापुर जंक्शन में पहुंचती है। मनकापुर जंक्शन में ये रात के 11:28 पे पहुंचती है और 11:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। गोंडा जंक्शन में ये रात के 12:05 पे पहुंचती है और 12:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। बाराबंकी जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 1:43 पे पहुंचती है और 1:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है लखनऊ चारबाग स्टेशन में पहुंचती है रात के 2:53 पे और 3:03 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद राप्ती गंगा एक्सप्रेस जो है हरदोई स्टेशन में सुबह 4:32 पे पहुंचती है और 4:34 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। शाहजहानपुर में ये ट्रेन जो है सुबह 5:40 पे पहुंचती है और 5:42 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। बरेली जंक्शन में ये सुबह 6:47 पे पहुंचती है और 2 मिनट बाद 6:50 के करीब वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। रामपुर उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है सुबह 7:45 पे पहुंचती है और 7:47 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मुरादाबाद जंक्शन में पहुंचती है सुबह 8:30 पे और 8:38 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 8 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। नजीबाबाद जंक्शन जो कि उत्तर प्रदेश का आखिरी स्टेशन है, यहां पर यह सुबह 10:32 पे पहुंचती है और 10:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। यहां पर यह 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद राप्ती गंगा एक्सप्रेस जो है वो लक्सर जंक्शन में सुबह 11:12 पे पहुंचती है और 11:17 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हरिद्वार जंक्शन में पहुंचती है, जो कि इसका सेकेंड लास्ट स्टेशन है। यहां पर ये सुबह 11:50 पे पहुंचती है और 10 मिनट बाद 12:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद राप्ती गंगा एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन देहरादून उत्तराखंड में दोपहर के 1:55 पे पहुंचती है और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर
यहाँ पर आके ये ट्रेन जो है अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। दोस्तों इसी के साथ राप्ती गंगा एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। या अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।